कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो टीआरपी की रेस में टॉप पर पहुंच गया है, मगर इस बीच कपिल से एक ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ सकती है। दरअसल कपिल ने अपने शो में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का नाम भूलवश गलत रेफरेंस में इस्तेमाल कर दिया। बात गुजरे वीकेंड की है। द कपिल शर्मा शो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता ठाकरे अपनी फिल्म ठाकरे को प्रमोट करने पहुंचे थे। नवाज फिल्म में बाल ठाकरे के रोल में हैं, जबकि अमृता उनकी पत्नी का रोल निभा रही है। शो में कपिल ने नवाज के अभिनय की तारीफ करते हुए उनकी तमाम फिल्मों के नाम लिए। इसी क्रम में नवाज की माउंटेन मैन का नाम भी आया। कपिल ने इसके बारे में बोलते हुए कहा कि इस फिल्म में उन्होंने नवाज जीतनराम मांझी का रोल निभाया। केतन मेहता निर्देशित माउंटेन मैन दरअसल दशरथ मांझी की बायोपिक फिल्म है, जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ कटकर रास्ता बनाया था। वहीं जीतनराम मांझी बिहार के दिग्गज लीडर हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस समय तो बात आई गई हो गई। मगर अब सोशल मीडिया में जब एक यूजर ने वीडियो शेयर किया तो इस चूक पर कपिल की खूब खिंचाई हो रही है। इस एपिसोड का प्रसारण रविवार को हुआ था। शो में नवाज ने अपने करियर को लेकर तमाम तरह के खुलासे किए थे। कपिल ने नवाज से उनके किरदारों को लेकर पूछा था कि क्या वो असल जिंदगी में उन पर असर डालते हैं। इसके जवाब में नवाज ने कहा था कि कई बार ऐसा होता है। रामन राघव में उनका कैरेक्टर इतना डार्क था कि इससे निकलने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कपिल के शो की यह पारी सफलतापूर्वक चल रही है। सुनील ग्रोवर से झगड़े के बाद कपिल का शो और करिया पटरी से उतर गया था, मगर दिसंबर में गिन्नी चतरथ से शादी के बाद कपिल ने नए सिरे से शुरुआत की और उन्हें कामयाबी मिल रही है। शो की शुरुआत में सलमान खान के परिवार और शत्रुघ्न सिन्हा वाले एपिसोड काफी पसंद किए गए, जिसका पता शो की टीआरपी से भी लगता है। बीते हफ्ते की टीवी रेटिंग के आंकड़ों में द कपिल शर्मा शो अव्वल हो गया है। इससे पहले रोहित शेट्टी का स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी नंबर वन पर आया था, जबकि द कपिल शर्मा शो दूसरे स्थान पर रहा था। कपिल ने शो के सीजन में कृष्णा अभिषेक को अपने साथ जोड़ा है, जो शो में महिला किरदार निभाते हैं। भारती सिंह भी शो का हिस्सा है। कपिल के पुराने साथियों में चंदन प्रभाकर, कीकु शारदा और सुमोना चक्रवर्ती और नवजोत सिंह सिद्धू अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं। सितारों ने भी कपिल को इसके लिए बधाई दी है, लेकिन कपिल के विवादों का चोली दामन वाला साथ फिर से फन उठा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें।